हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ चेरी ब्लॉसम देखने, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी और मुझे भी इस साल देखना था। पिछले बार ना बहुत अच्छा वेदर था तो मुझे अच्छा व्यू मिला। इस बार बहुत ज़्यादा बारिश है और कंटिन्यू बारिश होने वाली है, तो मैंने सोचा कि अगले हफ्ते जाने के बजाय इसी हफ्ते जाते हैं, क्योंकि चेरी ब्लॉसम ये सिर्फ एक दो हफ्ते के लिए ही होता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। सो चलो देखते हैं कि मिलेगा कि नहीं अच्छा व्यू, लेट्स सी। मेट्रो का यहाँ पे इतना जंजाल है जापान में, आपके कलर पैलेट के कलर खत्म हो जाएंगे पर यहाँ की हरी पीली लाइन खत्म नहीं होती। और एक बार आप यहाँ पे एंटर तो कर लोगे मेट्रो स्टेशन के अंदर, पर एग्जिट कहाँ से करनी नहीं समझ में आता है। सो आप ऐसे मौके पर अगर आप टूरिस्ट हो तो प्लीज़ आप गूगल मैप, यहाँ पर भी बहुत सारे मैप लगे होते हैं, आप वो सारे यूज़ करके, अगर नहीं समझ रहे मैप तो प्लीज़ कोई भी निहोंजी यानी जैपनीज पीपल से हेल्प मांगो, जैसे मैंने मांगी थी, और एक्सिट करना है आपको। जैसे इंडिया में हम लोग साथ में बैठ के फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग भी वीकेंड्स में ये सब चीज़ें करते हैं। और एंट्रेंस में ही मुझे ये ट्रैश बॉक्स दिखा, जहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि हर चीज़ ना अलग अलग सेक्शन में बटी हुई थी, मतलब पेपर अलग, मैगजीन्स अलग, बॉटल्स, कैन, सबके सेक्शन अलग अलग थे। और लोग ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉलो करते, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे एक सिस्टम है कि गार्बेज कभी मिक्स नहीं करते लोग, कुछ भी हो जाए, चाहे घर का गार्बेज हो या फिर पब्लिक प्लेस का गार्बेज हो, सब अलग अलग ही रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही मुझे बहुत सारे स्टॉल्स दिखे, जहाँ पे स्कल था, कहीं पे हाथ थे, बहुत सारी यूनिक और एंटिक चीज़ें थी या पुराने थे सारी चीज़ें, पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा तो फिर मैंने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। आगे बढ़ते ही मुझे एक श्राइन दिखी। आप जापान के किसी भी श्राइन में जाओगे आपको एंट्रेंस ऐसा ही दिखेगा, जहाँ पे लोग अपने विशेस लिखते हैं, गुड लक्स निकालते हैं। इनका अपना एक बिलीव है, ये चलता रहता है, जैसे हम लोग अपने घर में दिया बत्ती करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, वैसे यहाँ के भी लोग सेम करते हैं, नथिंग चेंज, सेम कल्चर है। और यहाँ पर भी लाइन लगते हुए, भैया हम भी मेहमान हैं, इनके रूल्स रेगुलेशन हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैं भी लग गई लाइन में चुपचाप। और ये रहे हमारे भगवान जी, और ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी एंट्रेंस में, तो यही से आपको ख़रीदनी पड़ती है। जैसे इंडिया में क्या होता है, टेम्पल के बाहर आपको चीज़ें खरीदनी पड़ती है, लोग स्टॉल्स लगाते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, भगवान वाली चीज़ें, श्राइन के अंदर ही आपको ख़रीदनी पड़ती है, यहाँ से ख़रीदो और बाहर जाके आपको लटकानी पड़ती है। मैं श्राइन के बाहर गई तो मुझे बहुत ज़्यादा रश दिखी, क्योंकि यहाँ पे फूड के स्टॉल लगे हुए थे, तो चलो फूड के स्टॉल भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है जापान में कॉइन, इसके अंदर चीज़ होती है, और ये डोरेमोन वाला स्नैक, और ये अप्पम, हमारे इंडिया में जो अप्पम है, यहाँ पे ये जापानीज़ अप्पम बोल सकते हैं, बड़ा सा क्रैब, और ये उबले हुए आलू। भैया पैसे नहीं थे तब खाए बहुत ज़्यादा, अभी नहीं खाएंगे। और ये सोबा, मुझे बहुत दिनों से सोबा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी और मुझे यहाँ पे दिखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैं भी गई ख़रीदने के लिए। और ये सिंपल नूडल्स थे, हमारे इंडिया में जो नूडल्स मिलते हैं वैसे ही टेस्ट था, बल्कि जापान का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं होता, प्लेन होता है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा वेजीज़ और फ्लेवरफुल होता है, यहाँ का बहुत प्लेन था, इसमें वेजीज़ भी इतने ज़्यादा नहीं थे, पर ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहता है, मुझे तो अच्छा लगा। मेरी पेट पूजा हो गई यहाँ पे, मैं निकली बाहर, और वीकेंड में इतना ही रश होता है हमेशा, तो मैं ये सब भीड़ पार करके निकली। आपको बाय बोलने ही वाली थी, प्लीज़ इग्नोर माय थकी हुई शक्ल। और मुझे बहुत अच्छा सा व्यू दिखा और मैं रुक नहीं पाई खुद को, और मैंने फ़ोटोशूट और वीडियो अपना चालू किया। अब ये सब तो मेरा चलता रहेगा, आपको आज का मेरा व्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताना। बाय।